अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट टू फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस से नेक्स्ट मैकेनिज्म दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं बिलखसूस प्लांट्स एंड एनिमल्स में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड पे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर हम काफ़ी डिटेल के साथ इनके आंसर्स को एक्सप्लेन भी करेंगे, उनकी डेफिनेशंस, कौन कौन से फिनोमिनास हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ताकि जब आप एट द एंड उन क्वेश्चंस को देखें तो क्विकली आपके माइंड में जी आंसर रिव्यू हो जाए कि अभी हमने ये पढ़ा था और अभी हमें फ़ौरन से इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। सबसे पहले जी एक्सक्रीशन में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, जब उसका ब्रेकडाउन होता है यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, तो एज अ रिजल्ट एनर्जी के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रही होती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिनमें मुख्तलिफ किस्म के मेटाबोलाइट्स बिलखसूस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट शामिल हैं, उनके बॉडी से बाहर इखराज का नाम एक्सक्रीशन है। आइए देखते हैं जिसकी फॉर्मल डेफिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये बॉडी के लिए एक इंतहाई एसेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफी अहमियत की हामिल है। सबसे पहले देखते हैं जी लिविंग बींग्स में एक्सक्रीशन के अंदर प्लांट्स की एग्जांपल कि वो अपने अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी प्लांट्स के अंदर मौजूद वेस्ट की, तो इसमें बेसिकली फोर मेन वेस्ट की टाइप हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजनस और दीगर वेस्ट शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी ऑक्सीजन की। हम जानते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं और ये अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं, जानवरों की तरह किसी दूसरे पर रिलाई नहीं करते। अब ये क्या करते हैं, ये फोटोसेंसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसी फोटोसेंसिस की वेस्ट प्रोडक्ट है जी ऑक्सीजन, और ये प्लांट्स के लीफ में या स्टेम में मौजूद जो स्टोमेटा हैं उनके थ्रू बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। दूसरा आता है जी कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ फोटोसेंसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बतौर खाम माल इस्तेमाल हो रहा है, वही रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये बतौर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि ये रेस्पिरेशन की वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको भी प्लांट्स वाया स्टोमेटा रिमूव करते हैं। उसके बाद आता है जी पानी यानी कि वाटर। वाटर जो है ये बेसिकली एक मेटाबोलाइट है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होता है। प्लांट्स या तो इस वाटर को यूज़ कर लेते हैं जैसे कि फोटोसेंसिस का प्रोसेस जिसमें वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, या वो इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो इसको हम ट्रांसपायर्ड वाटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है जो नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट, जिनको बॉडी के अंदर स्टोर भी किया जाता है फॉर द टाइम बीइंग एंड देन उनको रिमूव भी किया जाता है। अब ये जो वेस्ट हैं ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों ही तरह की हो सकती हैं। चलते हैं जी इनकी स्टोरेज की तरफ और फिर उनकी एक्सक्रीशन की तरफ। स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देन एक्सक्रीशन। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं जी वैक्यूल। प्लांट सेल का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो जो कि हम एलिमेंट्री, हाई स्कूल एंड देन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं उसके अंदर एनिमल्स की तरह छोटे छोटे वैक्यूल नहीं बल्कि एक लार्ज साइज का वैक्यूल मौजूद होता है। यही लार्ज वैक्यूल बाज दफ़ा वेस्ट को स्टोर करने के काम भी आता है इन डिफरेंट प्लांट्स। और अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्हीं प्लांट्स के इन वैक्यूल्स के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम लीव्स की। लीव्स के अंदर डिफरेंट प्लांट्स जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने लीव्स के अंदर इनको स्टोर करते चले जाते हैं। लीव्स का कलर चेंज हो जाता है यानी कि ग्रीन से येलो हो जाता है।
उसके बाद ये येलो लीव्स ऑटम में यानी कि खिजां के मौसम में गिरा दिए जाते हैं और इनके अंदर जितना भी वेस्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट या दूसरे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है अक्यूमुलेट हुए होते हैं गिरते हुए लीव्स, उनको भी अपने साथ लेके प्लांट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। अब ये जो येलो कलर है ये एक फिनोमेना के तहत इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये बेसिकली लॉस ऑफ क्लोरोफिल नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल की वजह से हम कहते हैं वो ग्रीन पिगमेंट होता है, प्लांट को ग्रीन कलर देता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। बेसिकली प्लांट्स का येलो कलर क्लोरोफिल के ना होने की वजह से नहीं होता, बल्कि ये प्लांट के अंदर कुछ पिगमेंटेड एक्यूमुलेशंस की वजह से होता है। अब ये कौन से केमिकल्स हैं जो अक्यूमुलेट होते हैं, ये बेसिकली काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और इनमें यूजली जो हैवी मेटल्स हैं वो शामिल होती हैं। इनकी प्लांट के अंदर बिलखसूस पत्तों के अंदर एक्यूमुलेशन की वजह से उनका कलर जो है वो ग्रीन की बजाय हमें येलो दिखने लग जाता है। उसके बाद ऑटम सीजन जो है ये बेसिकली एक सीजनल टाइम है पत्तों के गिरने का, यानी कि फॉलिंग ऑफ लीफ का, और इस दौरान प्लांट्स जो हैं जितने भी एक्यूमुलेटेड वेस्ट हैं लीव्स के अंदर दे जस्ट गेट रिड ऑफ देम, यानी कि उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, इसीलिए लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर्स भी कहते हैं। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आई हुई है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आई हुई है। एक तो ये कि क्लोरोफिल के ना होने की वजह से कलर येलो नहीं हो रहा, बल्कि ये पिगमेंटेड जो कंपाउंड्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक मटीरियल्स बिलखसूस हैवी मेटल्स शामिल हैं। दूसरा ऑटम जो कि एक सीजनल टाइम है पत्तों के गिरने का, इस दौरान पत्ते अपने अंदर जितनी भी अक्यूमुलेटेड वेस्ट हैं उसको लेकर के प्लांट से बाहर उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प कर रहे होते हैं और इसीलिए इनको एक्सक्रीटोफोर्स कहा जाता है। एक्सक्रीटोफोर्स यानी के स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटीरियल्स इन लीव्स एंड देन एक्सक्रीशन के बाद हम चलते हैं जी स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन ब्रांचेस एंड ट्रंक, और इसमें हम देखते हैं इबोनी। काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स कुछ तो लीव्स में अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर करके उनको शेड करके गेट रिड करते हैं ऑफ द वेस्ट, कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपनी ब्रांचेस एंड ट्रंक के अंदर वेस्ट को अक्यूमुलेट करते हैं। इनमें बिलखसूस जो पार्ट्स काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं और अब इस्तेमाल में नहीं है, जैसे कि ओल्ड जाइलम वगैरह जो कि किसी टाइम में वाटर कंडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लांट ग्रो कर गया एंड देन उसके सेंटर में मौजूद जो ओल्ड जाइलम थी वो मज़ीद इस्तेमाल के काबिल नहीं रही और नए जाइलम सेल्स जो हैं वो ग्रो कर चुके हैं। अब ये जो ओल्ड जाइलम है वुड या जो प्लांट है इसमें इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको अक्यूमुलेट कर लेता है, उनको इकट्ठा कर लेता है, और अक्सर अगर प्लांट को पुराने बहुत ज़्यादा पुराने प्लांट को कट किया जाए तो वो दरमियान से ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है। बेसिकली वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्यूमुलेशन ही की वजह से ब्लैक कलर का दिख रहा होता है और इस फिनोमेना को जी बोलते हैं इबोनी। उसके बाद बात करते हैं जी एक्सक्रीशन इन सॉयल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली सॉइल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को वेस्ट कंपाउंड्स को एक्सक्रीट करते रहते हैं और इन्हीं वेस्ट कंपाउंड्स को दीगर प्लांट्स के खिलाफ बतौर केमिकल वेपन भी यूज़ कर रहे होते हैं, बिलखसूस कॉनिफर्स वगैरह। तो जी यहाँ पे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड पे आपसे शेयर करेंगे इसमें से आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी जो कि पूरी डिटेल के साथ आता होता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये पूरा टॉपिक ही इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं बिलखसूस एक्सक्रीटोफोर एंड इबोनी के हवाले से ये भी जरूर आता होता है। इसके अलावा एज अ केमिकल वेपन भी पूछा जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो केमिकल वेपन किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किस तरह से उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि इनके लिए यूजफुल भी है
इन कम्पीटिंग अदर जो इनके कम्पेटिटर्स हैं, जो इनके दूसरे जिनके साथ इनका मुकाबला होता है न्यूट्रिशन के लिए सॉइल के अंदर और वाटर्स को, वाटर को डिफरेंट एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये वहाँ पे वो जो जंग चल रही होती है न्यूट्रिशन की एब्जॉर्बेंस के हवाले से, ख़ासतौर पर अगर किसी सॉइल में बहुत ज़्यादा प्लांट्स मौजूद हों तो फिर इनके अंदर भी इंसानों की तरह कॉम्पिटिशन चलता है और एक जंग होती है खाने के पीछे, और ये फिर केमिकल वेपन इस्तेमाल करते हुए जी जंग जीत जाते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह जी जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने और वीडियो को लाइक तो मस्ट करना है। इसके अलावा जी बेल का आइकन आपने ज़रूर दबाना है, आपने अंगूठे को थोड़ी सी हरकत ज़रूर देनी है ताकि एक्सरसाइज करते रहें और आप हेल्दी रहें। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।